हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकुल है, मुकुल राज त्यागी, और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मैं पिछले आई थिंक 10 साल से या फिर 7 साल से बाल्डनेस का इशू मेरे सामने आया था। वो मैं धीरे धीरे नोटिस करने लग गया था, लेकिन उसमें एक कंसर्न था, एक चीज़ थी जो ऑब्जर्व करनी थी उस टाइम पे, और कोई गाइड नहीं था तो समझ में नहीं आया। तो मेरे साथ भी कुछ यही हुआ कि मैं काफ़ी टाइम से उसको देखता रहा, कभी कुछ मार्केट से ऑयल की मार्केटिंग देखी तो वहाँ से मैंने ऑयल यूज़ कर लिया, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था क्योंकि कोई गाइड तो था ही नहीं। तो मैंने टाइम डेली बेसिस पे निकालना शुरू किया कि अब मैं डेली हाफ एन आवर इस चीज़ के लिए निकालूंगा। अभी मान लीजिए अगर 100 बालों से ज़्यादा टूट रहे हैं तो उसको कंसिडर किया जाता कि एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है। तो मैंने वो चीज़ पहले समझी, पहले बेसिक क्लियर किया, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और उम्मीद के तौर पे मेरे पास कोई था नहीं। मेरा हमेशा रहा है कि मैं खुद ही ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ, लेकिन मैं लोगों के साथ पूछता जरूर हूँ। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा और उन्होंने ये बोला कि नहीं, आपका डोनर एरिया बहुत वीक है, QHT क्लिनिक इनके टच में पिछले 3 साल से था, और उनकी वीडियोज़ के थ्रू अपडेटेड था यूट्यूब से। तो मैं ये देख रहा था बहुत बारीकी से कि कुछ केसेस तो मैंने ऐसे देखे जो अब्रॉड से आए हैं, उनका बहुत ज़्यादा मतलब उनका डोनर एरिया वीक था, उनके पास रिजल्ट थे। तो वहाँ से वो उम्मीद आई कि अगर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें हैं, तो एक बार कंसल्ट करते हैं। उसके बाद मैं सीधा क्लिनिक पे आया और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि केस जो, क्योंकि डोनर एरिया वीक है और आपका स्कैल्प काफ़ी बाल्ड हो चुका है, आपका 6 बाल्डनेस का ग्रेड है, तो उन्होंने बोला कि लेकिन हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, हम करते आए हैं। तो वहाँ से मेरे का कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हुआ और फिर मैंने ये तय कर लिया कि अब मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, और उसके बाद मेरी जो प्रोसीजर था वो शुरू हुआ। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि यार नहीं, मतलब उम्मीद छोड़ देते हैं, उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि चीज़ें बहुत एडवांस हो चुकी हैं, लोग दिन रात बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मैं एग्जांपल इन्हीं लोगों का दे रहा हूँ कि जिस प्राइस में या जितना अच्छा काम कर रहे हैं, जितनी अच्छी टीम लोगों के पास है, आप आइए एक बार विजिट करिए। टाइम से विजिट कर लेंगे तो हो सकता है कि हेयर ट्रांसप्लांट पे जाना ना पड़े। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, आपको सही चीज़ बताएंगे, सही दवाइयाँ आपको बताएंगे, टाइम से आएंगे तो बेनिफिट आपका है, क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन होता है हेयर ट्रांसप्लांट कराने का। अगर आप दवाइयों से भी आपकी रीग्रोथ हो सकती है, तो मेरे ख्याल से मेरा मशवरा यही है कि आप उस चीज़ को फॉलो करिए। कुछ चीज़ें जो मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी जो हैबिट्स हैं वो सुधारनी है। आप स्मोकिंग करते हो तो वो छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत रोल प्ले करती है। अगर आप ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं, 10-12 सिगरेट पर डे का आपका कंजप्शन है, तो डेफिनेटली वो आपको हार्म करेगी, वो आपका रिजल्ट भी ख़राब करेगी अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने चला गए हो और आपने इस चीज़ को करेक्ट नहीं किया है। अल्कोहल कंज्यूम करो तो वो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका फ़ायदा ही है, क्योंकि बेकार चीज़ में आप अपना पैसा और टाइम दोनों ख़राब कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करेक्ट कर सकते हैं, और हाँ, ये पक्का है कि आपको 95-98% आपको रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि मेरा जो केस था वो बहुत मतलब पूरा 6 से 7 ग्रेड का रहा है मेरा, और पूरा बाल्ड था। अभी आप देख रहे हैं कि ये रिज़ल्ट आया है, और एक ऐसे आदमी के लिए आया जो उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आया। तो मतलब ये कि चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन आपको पहले तो सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, उसके बाद एक करेक्ट क्लिनिक चूज़ करना पड़ेगा, और ये मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट क्लिनिक है आपके अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो अगर आप हेयर फॉल के इशूज़ को फेस कर रहे हैं तो आप इस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा के निकलेंगे, जो आपकी टीम है यहाँ पे, दे आर इन बीइंग टच विद यू। मतलब आप ये देखिए कि हर 24 घंटे के अंदर आपको कॉल आएगा, वो आपसे पूछेंगे, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको हेड वॉश कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, शैम्पू कौन सा यूज़ करना है। तो डरने की तो कोई बात है ही नहीं। एक तो ये है कि कॉम्प्लिकेशन वाला कोई प्रोसीजर ऐसा है नहीं। शेडिंग फेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि शेडिंग फेज क्या होता है। वो धीरे धीरे अपना चलता रहता है। मतलब शेडिंग फेज का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके बाल ग्राफ्टेड हुए हैं वो धीरे धीरे आपके निकलते रहेंगे और न्यू हेयर आते रहेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब आपके नेटिव हेयर्स के साथ आपके मर्ज हो जाएंगे, वो भी आपको पता नहीं चलेगा। और ये थोड़ा आपको फील होगा आफ्टर 6 मंथ। हालांकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर मेरा 6 मंथ के बाद जो है वो ठीक ठाक मेरे को रिजल्ट आ रहा था, और उसके बाद मेरी जो हेयर ग्रोथ है, जो डेंसिटी है, वो रैपिडली ग्रो की है, क्योंकि मैंने कंसिस्टेंसी अपनी बिल्कुल नहीं खोई। मैंने अपनी डाइट चेंज करी, मैंने वो प्रॉपर फॉलोअप लिया, डॉक्टर्स ने मेरे को जो सजेशन दिए मैंने एक भी मिस नहीं किया। बाल होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका सीधा सीधा डायरेक्ट जो लिंक है वो आपकी कॉन्फिडेंस से है। मेरा तो कॉन्फिडेंस तब भी अच्छा था, खैर, और आप भी बहुत अच्छा है, वो
ठीक है, मतलब पहले से तो और बूस्ट ही हो गया, पहले 90% था तो अभी 100% हो गया है, लेकिन आपको लुक के बेसिस पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपकी उम्र अभी जवान है, सब अच्छा दिखना चाहते हैं, तो मेरा कहना यही है कि आप देरी ना करें, और आपको अगर लगता है तो आप आके एक बार कंसल्ट करें। और मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि उस चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं थी, और मैं बहुत टाइम सोच रहा था कि ऐसा कोई अच्छा क्लिनिक मेरे को मिल जाए जहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे हों, उनकी टीम अच्छी हो। और बाल बहुत प्रीशियस चीज़ होती हैं, आपको सुंदर और खूबसूरत दिखते हैं, जवानी भर को दिखना भी चाहता है। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेस, अगर आपको हेयर इश्यूज हैं आप एक बार आके जरूर मिलिए इस क्लिनिक पे। सो एट द एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा QHT की टीम को, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से इतने केयर के साथ मेरा ट्रांसप्लांट किया, और मैं बहुत बहुत सेटिस्फाई हूँ। क्योंकि एक पर्सन के लिए जो बाल्ड होता है उसका, उसके लिए हेयर वापस आ जाना, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देना, ये उसके लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है, और ये मेरे लिए भी बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। मैं इसलिए ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होती है किसी आदमी के लिए, कोई चीज़ जब किसी के पास नहीं होती है उसको मिल जाना। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.